गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स है ना जी, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम फ्रेमवर्क है ना जी, फ्रेमवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे है ना, यूजिंग द, यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज 2.5 में, फ्रेमवर्क प्रॉब्लम यूजिंग द गिवन इक्वेशन है ना, यूजिंग द गिवन इक्वेशन सॉल्व देम इन योर नोटबुक। तो इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, एक रो में दिया है, किसमें दिया है, एक रो में दिया हुआ है ना। तो इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको एक रो में दिया है उसको आपको कॉलम वाइज अरेंज कर लेना है, ठीक है। कॉलम वाइज कैसे अरेंज करेंगे, चलिए देखिए, यहाँ पर 37 प्लस 16 दिया है ना जी, तो यहाँ लिख लीजिएगा कितना दिया है, 37। तो 7 इज इन 1 कॉलम, 3 इज इन 10 कॉलम, इधर जो आएगा वो 100 कॉलम में आएगा, ठीक है। तो 6 कौन से कॉलम में आएगा जी, 6 इज हियर इन 1 कॉलम, 6 इज हियर इन 1 कॉलम एंड 1 इज इन 10 कॉलम, ठीक है। यहाँ पर कौन सा साइन पुट करेंगे, प्लस का साइन, तो चलिए सीधा सीधा ऐड कर देना है। 7 प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा, 7 प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा, 6 12 और 1 13, कितना होगा जी, 13 का 3 लिखेंगे, 1 कैरी ओवर आ जाएगा, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, 4, 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, 5, 5 का 5 लिखेंगे है ना। तो इस तरह से आंसर कितना आया जी, 53। तो यहां पर लिख देना है 53। इस तरह से 37 प्लस 16 इक्वल टू 53 आया है ना जी, कितना आया, 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 प्लस 12 दिया है, कितना दिया है जी, 85 प्लस 12। तो इसको भी क्या करना है, रो में दिया हुआ है उसको कॉलम में अरेंज कर लेना है। 85 दिया है, कितना दिया है जी, 85 है ना, दैट इज 1 कॉलम, दैट इज 10 कॉलम, 12 2 कौन से कॉलम में आएगा, 1 कॉलम में, और ये 1 10 कॉलम में आएगा, और प्लस का साइन पुट करना है यहाँ पर है ना, प्लस का साइन दिया है। अब देखिए 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, कितना होगा जी, 7। 8 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा जी, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो इस तरह से कितना आया, 97। तो यहाँ आ जाएगा 97। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, 415 कितना दिया है जी, 415 प्लस 1616 है ना जी, 415 और 16 दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए तो ऐसे ही एज इट इज सॉल्व करना है। सबसे पहले कॉलम में अरेंज करना है, 415 लिखेंगे, 415 लिख लिए है ना जी, 5 इज हियर इन 1 कॉलम, 1 इज इन 10 कॉलम एंड 4 इज 100 कॉलम, 6 is here in 1's column and 1 is which columns, 1 is here in 10's column, 1 is here in 10's column, here we put plus sign। अब स्टार्ट कहां से करेंगे, 1's column से, कहां से करेंगे जी, हमेशा स्टार्ट 1's column से करना है, ठीक है। अगर इधर से करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करना है, हमेशा 1's कॉलम से ही करना है, ठीक है। 5 प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा, 5 प्लस 6 इक्वल टू 5, 5, 10, 1, 11 का 1, 11 का 1 हो गया, 1 कैरी ओवर आ जाएगा, 11, 1, 1, 11 हुआ, 11 का 1's कॉलम को यहां लिखेंगे और ये जो 10's कॉलम में 1 है उसको कैरी ओवर ले जाते हैं, ठीक है। तो कैरी ओवर ले आया यहाँ 10's कॉलम में है ना। अब इस 1 को इस 10's कॉलम में ऐड करेंगे, ठीक है। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, कितना होगा जी, 3, और 4 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। तो कितना आया, 431, इस तरह से लिख देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, जिसको आप लोगों को, आप सभी को सॉल्व करके सेंड करना है ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू।